चलिए इस क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं. व्हाट आर पॉली एटॉमिक आयंस और गिव एग्जांपल. देखो पॉली एटॉमिक आयंस वो होते हैं जो कि एक ग्रुप होता है एटम्स का, और ग्रुप ऑफ एटम्स, इसको याद कर लो. पॉली एटॉमिक, पॉली का मतलब ही होता है मैनी. पॉली मतलब जहां भी पॉली लग जाता है पहले, पॉली का मतलब होता है मैनी. तो ग्रुप ऑफ एटम्स विच, ग्रुप ऑफ एटम्स विच कैरी चार्ज. ऐसे ग्रुप ऑफ एटम जिनमें चार्ज होता है और वो एक सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव करते हैं. बिहेव लाइक सिंगल एंटिटी, बिहेव लाइक सिंगल एंटिटी. एंटिटी का मतलब पता है, मतलब एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं. तो ग्रुप और एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं. तो इसका एग्जांपल देख लो. एग्जांपल है देखो ओ एच. अब ये ओ एच है तो ग्रुप ना, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन है, लेकिन ये एक ही तरह रिएक्ट करता है, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में भी लिखते हैं ओ एच. आपने देखा होगा ना ऐसे हम लिखते हैं ब्रैकेट में सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे ओ एच टू है ना, ब्रैकेट में लिख देते हैं ओ एच. तो इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जब होता है, जब ब्रैकेट में ले, तो ये एक सिंगल एंटिटी यानी सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है. तो इसके अंदर चार्ज भी होता है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं पॉलीएटॉमिक आयन. आयन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर चार्ज होता है. इसका एक एग्जाम्पल तो मैंने बता दिया आपको, हाइड्रोक्साइड आयन, ये ओ एच हाइड्रोक्साइड. एक और एग्जाम्पल देख लो, एक और होता है CO3. इसके अंदर भी चार्ज होता है. कौन सा चार्ज होता है इसके अंदर, अनायन चार्ज होता है, नेगेटिव. तो इसको भी, ये भी ग्रुप की तरह जो है, तो इसमें तो देखो एक कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है तो ये ग्रुप, लेकिन बिहेव करता है एक सिंगल की तरह. हम लिखते भी है ना ऐसे, कैल्शियम कार्बोनेट, ऐसे कार्बोनेट लिखते हैं, तो ये एक की तरह बिहेव करता है. तो ये सेकंड एग्जांपल है CO3, जिसको बोलते हैं कार्बोनेट. तो पॉलीएटॉमिक आयन क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ एटम्स, ये एटम्स है ना, एक ऑक्सीजन का एटम है, एक हाइड्रोजन का एटम है, सेकंड केस में कार्बन का एटम है, 3 ऑक्सीजन का एटम है. तो ग्रुप ऑफ एटम्स है और इनमें चार्ज भी है, लेकिन ये एक एंटिटी, एक एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं, और इसलिए इनको बोलते हैं पॉलीएटॉमिक आयन. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं.